हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सभी के फेवरेट मोमोज की रेसिपी। देखिए, लगभग हर किसी के फेवरेट होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और घर पर बहुत ही आसानी से ये बन भी जाते हैं। तो मैं आज स्टीम और फ्राइड दोनों तरीके के मोमोज बना रही हूँ और दोनों तरीके की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने सारी सब्जियां ले ली हैं। ये ले लिया मैंने पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च, ये मैंने गाजर ले ली है, ये प्याज ले लिए और ये ले लिए मैंने हरी मिर्च। अब सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इन्हें घिस लेंगे। तो सबसे पहले मैं पत्ता गोभी घिस लेती हूँ, ये गाजर घिस ली मैंने, ये शिमला मिर्च, और ये प्याज। तो इस तरीके से सारी सब्जियों को घिस लेना है। और ये देखिए, ये तैयार है हमारा भरावन। तो अब इसमें हम नमक लगाकर इसे आधा घंटा, जब आपको मोमोज बनाने हैं तो उससे सिर्फ आधा घंटा पहले ही नमक लगाकर इसे पेस्ट को आपको रखना है। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधा घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसका निकल जाएगा। अब देखिए, आधा घंटा हो गया है, तो इसे हाथ से इस तरीके से टाइट करके निचोड़ लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। आप चाहें तो एक कपड़े की हेल्प से भी ये पानी निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा इसका। अभी देखिए, ये इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है, तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें चढ़ा लूँगी थोड़ी सी चिकनाई, बिल्कुल थोड़ी सी चिकनाई चढ़ानी है, ज़्यादा नहीं। इसमें डाल दूँगी सबसे पहले बारीक कटी हरी मिर्च और उसके बाद डाल दूँगी इसमें मैं अपनी सब्जियाँ। सब्जियाँ डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपने मसाले। मसाले अपनी पसंद के अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि नमक पहले हम ऑलरेडी, तो आप डाल देंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है। देखिए, इसे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है, सिर्फ इसे इतना चलाना है कि इस मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं पेस्ट में। तो इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये चलाते हुए मसाले भुन भी जाएंगे इसमें। अब ये देखिए, ये खिला खिला सा एकदम हमारा भरावन तैयार हो गया है। तो अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। और जब तक हमारा भरावन ठंडा हो रहा है, तब तक हम मैदा मल लेते हैं। मैदा मलने के लिए मैंने मैदा ले लिया, इसमें डाल दिया नमक और इसे बिल्कुल फ्रिज के ठंडे पानी से मलना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है और ठंडे पानी से इसे गूँथ लेना है। तो इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल एक सॉफ्ट डो। अब जब हमारा ये मैदा तैयार हो जाएगी, तो इसमें हल्की सी चिकनाई लगाकर इसे रख देंगे। ये देखिए, हल्की सी इस तरीके से चिकनाई लगा देनी है, जिससे कि हमारी मैदा सूखे नहीं। इस तरीके से अच्छे से कर लेना है। तो ये हमारा सॉफ्ट डो अब तैयार है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब हम इसके बना लेंगे अपने मोमोज, बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, मोमोज बनाने के लिए मैंने देखिए बहुत छोटा सा एक इस तरीके से आटे की लोई ले लेनी है और उसे बिल्कुल पतला बेलना है। ये देखिए, इसे आप जितना पतला बेलेंगे उतने ही अच्छे आपके मोमोज बनेंगे। अब ये मैंने बेल लिया, देखिए इसमें अब हम भरावन रख लेंगे इस तरीके से एक चम्मच, और इस तरीके से किनारे पर किनारे चढ़ाते हुए इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, और गोल घुमाते हुए इस तरीके से अच्छे से इसे बंद कर देंगे। ये अब हमारे मोमोज तैयार हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने सारे मोमोज तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है हमारे मोमोज की। तो इसी तरीके से मोमो
मोमोज तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें स्टीम करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है गैस पर। ये देखिए अभी पानी जब गर्म हो जाएगा तो इस पर हम रख देंगे अपनी छलनी। अब देखिए पानी गर्म हो गया है तो इस पर मैंने ये छलनी रख दी है और इसमें हल्की सी चिकनाई लगाकर हम अपने सारे मोमोज इसमें रख देंगे। देखिए चिकनाई इसलिए लगाते हैं जिससे कि मोमोज हमारे इसमें चिपके नहीं, क्योंकि पतले बहुत ज़्यादा होते हैं तो चिपकने के बाद वो खुलने का डर रहता है। तो इस तरीके से जब आप चिकनाई लगा देंगे तो अच्छे से सिक जाएंगे और वो चिपकेंगे भी नहीं थली के साथ। ये देखिए अब इस तरीके से हम सारे मोमोज इसमें रख देंगे और इसे ढक्कन बंद करके टाइम देखकर आपको 10 मिनट के लिए इन्हें स्टीम करना है। और स्टीम करने के लिए इनकी गैस को आपको फुल रखना है, फुल गैस पर ही स्टीम करने हैं। तो अब ये बंद कर देंगे हम अपने मोमोज और 10 मिनट के लिए, देखिए जब आप इन्हें रखेंगे तो टाइम देख लीजिए एक बार और सही 10 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे। अब ये देखिए ये स्टीम हो गए हैं तो चेंज हो गया और ये ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। अभी इस तरीके से हम सारे मोमोज अपने निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे लहसुन की चटनी के साथ। ये देखिए ना ये बिल्कुल भी चिपके हैं थाली के साथ और ये खाने में बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट मोमोज हमारे तैयार हो गए हैं। ये ले लिए मैंने लहसुन की चटनी और गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ मैं। ये देखिए कितने अच्छे मोमोज बने हमारे। तो इसी तरीके से हम अपने फ्राई कर लेंगे मोमोज। अब देखिए जो स्टीम करे हुए मोमोज हैं उन्हीं को मैं फ्राई कर लूँगी। जब हम उन्हीं को फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप कच्चे मोमोज फ्राई करेंगे तो वो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इसलिए स्टीम करे हुए जो मोमोज हैं उन्हीं को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स को स्टीम पसंद होते हैं और कुछ को फ्राइड, तो मुझे फ्राइड पसंद है तो मैं अपने लिए फ्राई कर रही हूँ। अब ये मैंने चिकनाई चढ़ा ली थी, चिकनाई जब गर्म हो गई है तो उसके अंदर मैं अपने स्टीम करे हुए मोमोज छोड़ दूँगी और इन्हें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छे से पका लूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया हमारे मोमोज तैयार हुए हैं। अभी देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से इन्हें सेक लेना है। ये देखिए ये गोल्डन हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है इनका और ये मोमोज हमारे अब तैयार हैं फ्राइड। तो आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ।